आपको बताने वाला हूँ पेन ईयर बाई एप्लीकेशन को आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे चला सकते हो। तो पहले नंबर आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के पेन ईयर बाई एप्लीकेशन को लॉगिन कर लोगे, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर मैं देख सकती हूँ वॉलेट, वॉलेट में 1 रुपया कितने रुपए हैं वो यहाँ भी यहाँ पर देख सकते हो। आप वॉलेट पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप ये लोड, आप यहाँ से ऑनलाइन लोड ले सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या अपने ATM डेबिट कार्ड से या किसी नेट बैंकिंग वगैरह से आप यहाँ से फंड ले सकते हो, क्योंकि आप यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके वॉलेट में पैसा होगा तो रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कुछ कर सकते हो, और यहाँ से आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपके वॉलेट में है क्लेम, यहाँ से आप किसी भी पैसे को क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ से बैग जाओगे, आप बैग जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे रिवॉर्ड, रिवॉर्ड में रिवॉर्ड मिलेगा, और कंप्लेंट एंड इंक्वायरी यहाँ से कर सकते हो। किसी को ये एप्लीकेशन शेयर करना है, इनवाइट एंड शेयर आप यहाँ से कर सकते हो। नो योर आवर सर्विस, आप यहाँ से सर्विस देख सकते हो, इसमें क्या क्या सर्विस है यहाँ से पढ़कर आप वीडियो में देखकर यहाँ से पता लगा सकते हो यहाँ क्या क्या सर्विस हैं, मनी ट्रांसफ़र का उपयोग कैसे करें। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वीडियो प्ले हो जाएगा, ठीक है, और उससे नीचे आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगा। आप रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सबकी रिपोर्ट दिखाएगा, डेली सेल रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखा देगा, और रिचार्ज की रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। आप यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा रिचार्ज है, पोस्ट पेड, डाटा, DTH आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। जैसे आप प्रीपेड पे सेलेक्ट करोगे और डेट यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम इतना पहले का दिखने तो ऐसे नहीं दिखेगा, आप यहाँ से सब कुछ पता लगा सकते हो। ये वाला जो ऑप्शन है आधार ATM ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, आप इस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ से आप कई दिन पिछला का देखोगे, अगला का तो नहीं, थोड़ा पीछे का देखोगे, देख लीजिएगा यहाँ पर आपको जो ट्रांजेक्शन होंगे आधार ATM से वो आपको ट्रांजेक्शन दिखा देगा, लोड वॉलेट, और आपने वॉलेट में कोई लोड ऐड किया होगा तो वो भी दिखा देगा, या रिचार्ज एंड बिल पेमेंट भी आपको दिखा देगा। लेकिन हमने ये कुछ नहीं किया है, और जो अगला वो ऑप्शन है वो है अदर, बैक करोगे। ये जो एप्लीकेशन है थोड़ा लोड लेकर चलता है, और इसके लिए यहाँ पर मैं आपको कहाँ पर था, चलो उसे छोड़ देते हैं। कमीशन स्ट्रक्चर में जाओगे आप, यहाँ से कमीशन देख सकते हो, रिचार्ज में कितनी कमीशन आपको मिल रही है, आप रिचार्ज को देखो कितनी कमीशन है। आप इसको रिचार्ज वाले ऑप्शन को क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर ये सब कुछ बैनर बदल चुका है, पहले और तरीका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो में 0.5%, एयरटेल पर भी 0.5%, और जियो BI का सिम है उस पर 2%, और BSNL के पर 2.5%, और MTNL पर 2.5% इसके बताया गया है। और यहाँ पर ही आपको DTH की रिचार्ज मिल जाएंगे, इसमें बिल पे भी बहुत अच्छी पैदा है। यहाँ से आधार कमीशन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपके सामने आधार कमीशन होंगे किसी में वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो चलिए देख लीजिए आधार जो कमीशन है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 0 से लेकर 11 तक कस्टमर फी, आप कस्टमर से फीस ले सकते हो 10 रुपये, आपको उस पर 4.5 रुपये कमीशन मिलेगा, उसके बाद से 4.5 रुपये कमीशन मिलेगा। और जो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ इनेबल आधार APS आप इनेबल वाले पर है, और क्या करना है यहाँ पर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आप 100 से लेकर 499 तक निकालोगे तो आपको 0.25 पैसा, अगर 500 से 999 तक निकालोगे तो 1 रुपया। यहाँ पर एक कमीशन का स्ट्रक्चर है, अगर माइक्रो ATM आप यूज़ करते हो तो आप यहाँ से देख लीजिए आपको कितना कमीशन है। चलिए इसे हटाते हैं, यहाँ तो बहुत सारे कमीशन कब तक बताएंगे, आप इसको बैक कर लोगे, जो अगले ऑप्शन है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको बैक कर लीजिए, जैसे ही आप यहाँ से बैक कर लोगे तो यहाँ पर देखिए जो नीचे में है, यहाँ तो अभी हमने बात की थी कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पर ये है 194 TDS, इसको नहीं देखेंगे, GST भी नहीं देखेंगे। कैश डिपॉजिट सेंटर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने जो भी कैश डिपॉजिट सेंटर होंगे पे नियरबाई के वो आपको शो होंगे, लेकिन हम अभी खेत पर हैं तो इस वजह से हमारे आसपास में कोई ऐसा कैश डिपॉजिट सेंटर है नहीं है पे नियरबाई का, इसलिए आपको यहाँ पर शो नहीं करा रहा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया हमारे आसपास कहीं भी कैश डिपॉजिट सेंटर है ही नहीं पे नियरबाई का। आप नीचे में जाओगे, यहाँ सर्टिफिकेट पर क्लिक करोगे
तो ये डिजिटल प्रधान वाला सर्टिफिकेट होता है एक, तो अब यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी तो आप यहाँ पर उस वाले सर्टिफिकेट को देख सकते हो। तो देखिए ये डिजिटल प्रधान वाला सर्टिफिकेट है, डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ऐसे करके फिनियर भाई वगैरह डिजिटल प्रधान, ये नाम है सरिता वगैरह है टेकन अदर ऐसे करके, ये इसको जी आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको शेयर भी कर सकते हो। लेकिन नहीं, हम डाउनलोड करेंगे नहीं शेयर करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है। और जो नीचे में पेनियर वाई सर्टिफिकेट आप इस पर क्लिक कर दोगे तो प्रोसेस ही लेगा, उसके बाद ये आपको सर्टिफिकेट दिखा देगा आपका ये कौन सा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, जो है सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन और पेनियर वाई हीरो उसका नाम होगा, ये मेन सर्टिफिकेट है आप उसको लगाएं। ठीक है, आप दोनों ही डाउनलोड कर लीजिए, इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। तो यहाँ पर हीरो के अकाउंट पर क्लिक कर दोगे और थोड़े बैक जाओगे, बैक जाने के बाद यहाँ पर जो नीचे में सर्विस है डाउनलोड बैनर्स आए इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सर्विस चुनोगे आप किस प्रकार की सर्विस देना चाहते हो कस्टमर को, लोन वगैरह या इंश्योरेंस वगैरह। हम तो कुछ नहीं, हम और प्रोडक्ट कर देंगे। हम तो और प्रोडक्ट कर यहाँ पर लैंग्वेज किस लैंग्वेज में चाहते हो। अब जो अगला ऑप्शन है वो है डाउनलोड बैनर्स, आप इस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर सर्च कर दोगे आपको किस प्रकार का बैनर चाहिए और प्रोडक्ट और सिलेक्ट लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश जो भी सिलेक्ट करके आप सबमिट कर दोगे तो आपके सामने बैनर शो हो जाएंगे। पेनियर वाई उपलब्ध सेवाएं ऐसे कर जो आपके पास वो होंगे वो देख लीजिएगा, आप इन बैनर्स को डाउनलोड कर सकते हो। ए फोर साइज में है, आप बैक जाओगे और बैक जाने के बाद देखते हैं क्या होगा। बैंक जाने के बाद जो अगला ऑप्शन है येस बैंक डीएमटी बैनर, अगर आपको येस बैंक में कोई डीएमटी करते हो आप तो उसका भी बैनर यहाँ से लगा सकते हैं। कोविड-19 का लेटर, अगर आप कस्टमर आपके यहाँ कोविड-19 को नहीं मानता आप उसको लेटर को चिपका सकते हैं अपने सेंटर पर। जो अगला ऑप्शन है वो सेटिंग, आप सेटिंग्स पर क्लिक करोगे और यहाँ पर हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। जो अगला ऑप्शन है वो सिक्योरिटी सेटिंग, आप इस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ से आप अपने फिंगर या अपने लॉक को खोलोगे तो देखिए यहाँ क्या होता है। उसके बाद यहाँ ब्लैक स्क्रीन कट गया है क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत लोड ले रहा है। चलिए दोबारा अपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है वो खूब लोड ले रही है तो इसलिए मैं इसमें आपको सेटिंग्स दोबारा नहीं दिखाऊंगा। और जो नीचे में जो ऑप्शन है चेंज पासवर्ड, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पर अपना पुराना पासवर्ड डालकर और यहाँ पर न्यू डालकर जो आप नया रखना चाहते हैं दोबारा से डालकर सबमिट कर दोगे और लॉगआउट करके दोबारा ओपन करोगे इस एप्लीकेशन को तो आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में बात करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, इस एप्लीकेशन चलाने की टर्म्स एंड कंडीशन इसमें है और नीचे से आप लॉगआउट करके इस एप्लीकेशन से बाहर जा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को देख लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेनी है, अगर आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, जो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है 16 पेज की हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एरो के अकाउंट पर क्लिक करके बैक जाओगे, बैक जाने के बाद अंडर पैकेज आप इस पर क्लिक कर दोगे, अंडर पैकेज पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फाइनेंशियल सर्विस 1700 आप इस पर फिंगर स्कैन गेट सब्सक्राइब ऑप्शन आप इस पर क्लिक करके 1700 रुपये देख रहे हैं क्या बता रहा है इसे छोड़िए, यहाँ से आपको फाइनेंस सर्विस मिलेगी। और अगला जो ऑप्शन है अगर आप यहाँ से बेल के अकाउंट पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आप देखिए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको देता रहता है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद से जो अगली ऑप्शन है वो आपको, ये मैंने आपको बताई थी रिपोर्ट का ऑप्शन है, वो आपको अंदर भी मिल जाता है सेटिंग्स में। ठीक है, आप इसको बैक करोगे, बैक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन है वो रिफ्रेश हो जाएगी, आपका जो पेमेंट है वॉलेट का और ट्रेड का वो रिफ्रेश हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो अपने ग्राहकों को डिवाइस में यांत्रिक खराबी या स्क्रीन टूटने में नुकसान है ऐसे करके यहाँ पर आपको दिखा देगा, यहाँ नई नई न्यूज आती रहती है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये जिला 4500 का फेस्टिवल ऑफर, आपको जो एटीएम 4500 का था माइक्रो एटीएम उसका वो अब 3500 का एटीएम हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर आधार विड्रॉ पर आप क्लिक करोगे, आधार विड्रॉ पर क्लिक कर दोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, डिवाइस को चुनोगे, उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालोगे, आधार यहाँ आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर दोगे, आपकी जो भी बैंक है जैसे आंध्रा बैंक, और उसके बाद बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट डालोगे और यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालोगे जो भी डालना चाहें आप, मोबाइल नंबर डालकर आप यहाँ पर एक नेम देकर आगे सबमिट कर दोगे, कस्टमर का पैसा उसके खाते से आ जाएगा। उसके बाद से आप बैंक जाओगे,
यहाँ से आप बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो। बैलेंस की इंक्वायरी भी बहुत ही सरल है, आप इसी प्रकार से करोगे, आधार नंबर, बैंक सेलेक्ट करो और फ़ोन नंबर डाल के कर सकते हो। ठीक है, आप बैंक जाएंगे, बैंक जाकर आप यहाँ से अपने किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। अगर किसी का पेमेंट कट जाता है और वो लौट के नहीं आता तो आप यहाँ से इसकी वो देख सकते हो कि किस कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। यहाँ से 10 ट्रांजेक्शन इस बैंक के देख सकते हो। यहाँ पर आपको बैंक दिखा देगा कितनी बैंक से यहाँ पर उपलब्ध हैं। इन बैंकों के आप मिनी ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो। मिनी स्टेटमेंट आपको 10 का स्टेटमेंट लिख लिया जाएगा। यहाँ पर कस्टमर का फ़ोन नंबर डालिएगा और यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर उसका नाम डाल दोगे और नाम डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने पर ही आधार नंबर गलत है, आधार नंबर सही होगा। यहाँ पर जो डिटेल्स है वो हमारी गलत है, आप इस नंबर पर कॉल करने की प्रयास करें। ये नंबर भी हमने यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो गलत हैं, आप इस नंबर पर कॉल ना करें। और उसके पास से आधार नंबर भी गलत है। यहाँ से आप अपने स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है माइक्रो ATM। जैसे आप माइक्रो ATM पर क्लिक कर दोगे तो ये माइक्रो ATM डिवाइस बुकिंग और ट्रांजैक्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी डिवाइस की बुकिंग कर सकते हो। और यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन यहाँ पर ट्रांजैक्शन अभी दूंगी। यहाँ पर अपनी ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप कस्टमर को अपने माइक्रो ATM के द्वारा पैसे निकाल कर उसको दे सकते हो। मनी ट्रांसफ़र आप यहाँ से मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपको दिखा देगा 49,750 रुपये आप किसी के खाते में भेजोगे तो आपके पास 1% का यहाँ से चार्ज करता है। आप यहाँ से 49,000 तक भेज सकते हो। उसके बाद जो है क्लेम रिफंड, आप क्लेम रिफंड पर क्लिक कर दोगे तो आप किसी भी क्लेम को यहाँ से रिफंड कर सकते हो। और कभी कभी आवर सिस्टम डाउन बताता है किसी किसी बैंक का कस्टमर आधार सर्वर डाउन तो डाउन होता है तो आधार पे ऑप्शन का यूज कर कर आप आधार सिस्टम डाउन के कारण यहाँ से अपना पैसे निकाल सकते हैं कस्टमर का, तो नहीं इतना पेमेंट कटेगा, नहीं पेंडिंग में फंसेगा। UPI QR यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप उसको देख लीजिएगा। लोडिंग हो जाने दो उसको, थोड़ा हमारे इंटरनेट स्लो है। यहाँ से देख लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन को प्रोसीड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आगे रखते हैं और मोबाइल नंबर लिख कर आएगा और आप यहाँ से इस QR कोड के द्वारा इंटर अमाउंट कर डन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर डन करोगे 100 रुपये लिख कर, डन हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ से आप हमारे नंबर को पे करेंगे तो अपने आप यहाँ पर 10 रुपये दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज कर दोगे तो आप यहाँ पर किसी का भी मोबाइल नंबर डालकर रिचार्ज कर सकते हो प्रीपेड, यहाँ से आप पोस्टपेड कर सकते हो। अगर आपका BSNL का मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर टॉपअप और स्पेशल यहाँ पर दोनों ही मौजूद है तो इसलिए रिचार्ज का ऑप्शन जो है बहुत भी बढ़िया है। उसके बाद यहाँ से आप DTH रिचार्ज, डाटा कार्ड, बिल पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से बिल पेमेंट में आप जाओगे, यहाँ से केबल का, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह, वाटर बिल, पोस्ट बिल भी आप यहाँ से भर सकते हो। जिसके भी इलेक्ट्रिसिटी भरेंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप यहाँ से भर सकते हो। और उत्तर प्रदेश वगैरह पावर कॉरपोरेशन LTD आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंपनी वगैरह। कंज्यूमर नंबर आप यहाँ से कंज्यूमर नंबर डालकर बिल देख भी सकते हो कितना, जमा भी कर सकते हो गेट बिल पर जाकर। ठीक है, उसके बाद आप बैंक जाओगे, बैंक जाने के बाद यहाँ पर एयर बुकिंग, आप एयर बुकिंग भी कर सकते हो और बस बुकिंग भी कर सकते हो। और उसके बाद शेयर टूर एंड पैकेज आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको चेन्नई का टूर पे जाना है तो ये आपके लिए अभी उपलब्ध नहीं है ऑप्शन। अब यह मेथड गोल्ड लोन, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये गोल्ड लोन चाहिए तो गोल्ड लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पहले नंबर आपको मोबाइल नंबर देना होगा, डिजिटल रुपए कार्ड इस पर आप क्लिक करोगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं, आप यहाँ से आपको डिजिटल रुपए कार्ड मिल जाएगा। यूज योर डिजिटल रुपए कार्ड एंड अर्न 1000 रुपये मंथ। यहाँ पर आप 1000 रुपये मंथ, यहाँ पर आप 1000 रुपये मंथ इससे कमा सकते हो। लेकिन इसमें इतना कुछ खास नहीं है, आप यहाँ से हमने आपको सभी सेटिंग्स के बारे में बताया। अब तो आपने पेन ईयर वाई को यूज़ करना सीख ही लिया होगा।